ठीक ठाक हैं, मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस अभी मेरा कुछ खास हुलिया तो नहीं हो रहा, लेकिन एनीवेज मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से भी बात की जाए, क्योंकि आज बारिश का मौसम है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, लेकिन बहुत कम हुई थी और बहुत ज़्यादा उसके बाद हब्स हो गया था। बट आज बहुत अच्छा वेदर है और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली ये तेज़ भी हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बात करूं। अभी बस मैं जा रही हूं बच्चों को पिक करने के लिए, बच्चों को स्कूल से पिक करके लाती हूं और उसके बाद आज कुछ प्लान्स हैं वो आपसे शेयर करती हूं आगे ब्लॉग में, कि आगे आज का दिन हम कैसे गुजारने वाले हैं। अभी मैं आई हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करके, तब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा रोड्स पे जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक था, क्योंकि बारिश हो रही है तो ऑफकोर्स ट्रैफिक ब्लॉक ही होगा। और अभी जल्दी से बस बच्चों को मैं कपड़े वगैरह चेंज कराती हूँ, उनको लंच करवाती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपसे दोबारा बात करती हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कराची में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, और कराची में तो ज़रा सी बारिश हो जाए रोड्स पे पानी इकट्ठा हो जाता है, आधा मज़ा जो बारिश का है वो इसी तरीके से ख़राब हो जाता है कि सारे रोड्स जो है वो पानी से भर जाते हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं। होपफुली कराची में जो गर्मी थी अब उसका जोर टूट जाएगा, क्योंकि दो दिन से बहुत ज़्यादा हब से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जी गाइस देखा जैसा कि आपने कराची में कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और इतनी तेज़ जब बारिश होती है कराची में तो सड़कों पे तो बुरा हाल हो जाता है। हमारी बारिश का आधे से ज़्यादा मज़ा जो ख़राब हो जाता है वो कराची की रोड्स की इस कंडीशन की वजह से हो जाता है, वरना बारिश तो रहमत है। और हमें दुआ भी ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बारिश को हमेशा रहमत बना के भेजें, किसी के लिए भी जहमत बना के ना भेजें। तो खैर बारिश है तो मौसम तो अच्छा है, और जब मौसम अच्छा है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अच्छा बनाने को और खाने को भी दिल करता है। तो देखें आज हम क्या बनाते हैं और आपको भी हम साथ बताएंगे हम क्या बना रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बाहर से मंगवाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और चाय बनाते हैं और साथ कुछ जल्दी से स्नैक्स वगैरह तैयार करते हैं। तो गाइस बारिश हो और डिलीजिया का केक ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए डिलीजिया आए हैं केक लेने के लिए। लेट्स सी कौन सा केक लेते हैं। वैसे पर्सनली आई लाइक बेल्जियम चॉकलेट और चॉकलेट मॉल्ट, लेकिन आज प्लान है शायद हम कैडबरी केक ट्राई करें इस बार। फाइनली नवीद साहब ले आए हैं केक। कहाँ से लाए हैं? डिलीजिया से, हमारा सबसे फेवरेट नवीद और डिलीजिया। जस्ट स्लाइस अवे। जी बिल्कुल सही ये लाइन है, हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्लाइस अवे। मुझे वो नाइफ दो बेटा, एक मिनट आपको बताती हूँ कौन सी स्लाइस है जो सॉरी कौन सी हैप्पीनेस है जस्ट अ स्लाइस अवे है। वो हैप्पीनेस है इस केक की, ये डिलीसिया का कैडबरी है और बहुत ही मज़े का यमी फ्लेवर होता है। क्या लाए रोहान? ये क्या लाए आप? क्या लाए? केक लेके आओ, चलो ओपन तो करें, कम इन आओ ओपन करते हैं इसे।
क्या लेके आए आप, देखते हैं रहान अपने लिए क्या लेके आया। तो क्या लाया है रोहान? ओहो रोहान अपने लिए अलहदा से कप केक लाया है। रोहान आपको कप केक पसंद है? हाँ पसंद है। बहुत पसंद है? हाँ। Do you like it? हाँ। Yes, रोहान लाइक द कप केक वेरी मच। तो गाइस रोहान को केक पसंद नहीं आया इसलिए वो अपने लिए कप केक लेके आया है और ये इस वक्त ये कप केक खा रहा है। चलो वहाँ खिलाओ ना आप मुझे, खाली स्पून का क्या करूँ, मुझे खिलाओ। हाँ ये चाय डाल रही है, ये ठंडी हो गई थी मेरी चाय तो लीजा दोबारा गर्म करके चाय डालने लगी है। एक सेकेंड ये आ गया है शवारमा। घर का प्लान हमने कैंसिल कर दिया था कुछ बनाने का क्योंकि बारिश हो रही थी तो सिर्फ एंजॉय करने का मूड था। तो एक पहले कोई उठा के ले गया, ये दूसरा भी कोई ले गया है। ओहो वापस आ गया, तो एक रह गया है मेरे पास। एक वो मच्छी साहब खा रहे हैं और मेरे पास एक रह गया है ये ये खा गया है और ये भी खा रहा है। स्नैप के लिए शवरो मांगा हमारा जी नहीं, ये मेरा शवरमा है, ये अपना खा गया है और ये बिल्कुल मेरा जाती शवरमा है जो मैं अभी खाऊंगी। तो गाइस ये देखें, ये है शवरमा जो बहुत ही जूसी, बहुत जूसी और बहुत यमी यमी लग रहा है, लेकिन अभी मैं खाऊंगी। जी मैंने बिल्कुल नहीं अभी खाया लेकिन मैं अभी खाऊंगी। ये खा चुका है, ये अकेला हमें और ये अब मैं खाने लगी हूँ। पहले मैंने इनको चाय बना के दी, इनको केक दिया और अब मैं खाने लगी हूँ ये शवारमा। तो गाइस आज के इस यमी केक की कटिंग के साथ आज का व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। आज बारिश का मौसम था, हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया, थोड़ा बहुत हमने फूड को भी इंजॉय किया। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।